नमस्कार दोस्तों, आज हम इस कुंडली के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि नियति हमसे क्या चाहती है। हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिस कार्य से हमें धन का लाभ हो, या जो नियति ने हमारे लिए डिसाइड कर रखा है कि ये प्रोफेशन अगर हम करते हैं तो उससे हमें अधिक लाभ होगा, अधिक गेंस होंगे और हमारे मन को शांति मिलेगी। देखिए, इस कुंडली के माध्यम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे केपी के अनुसार कि किस तरह का व्यापार और कब किया जाता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, केपी कुंडली में प्लेनेट जो होता है वो माध्यम होता है, नक्षत्र जो होता है वो रिजल्ट देता है, और सब लॉर्ड जो होता है वो रिजल्ट की क्वालिटी बताता है। मतलब सब लॉर्ड आपको ये बताएगा कि आपको जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो आपके फेवर में होंगे, पॉजिटिव होंगे, या आपके फेवर में नहीं होंगे, निगेटिव रिजल्ट होंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे पता करते हैं किसी भी कुंडली में। देखिए, इस कुंडली में 10th कस्पल सब लॉर्ड, मतलब 10वें भाव का जो सब लॉर्ड होगा, ये 10th हाउस देख रहे हैं आप लोग, इसका जो सब लॉर्ड है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जुपिटर, गुरु लिखा हुआ है, ये है 10th कस्पल सब लॉर्ड है गुरु। अब गुरु किसके नक्षत्र में है ये भी दिखा देते हैं आपको। गुरु जो है वो नक्षत्र में बैठा हुआ है बुध के। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे एरो दिख रहा है, यहाँ बुध लिखा हुआ है। तो 10th कस्पल सब लॉर्ड हो गया आपका जुपिटर, और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड हो गया वो हो गया बुध, मरकरी, और उसका जो सब लॉर्ड हो गया वो आपका हो गया शुक्र। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सिग्निफिकेशन नोट कर रखे हुए हैं, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। जुपिटर जो है, जुपिटर की राशि देखिए 5वें हाउस में आ रही है, 8वें में आ रही है, और स्वयं वो 12वें में बैठा हुआ है। ऐसे ही बुध की राशि दूसरे में आ रही है, 11वें में आ रही है, और स्वयं वो 12वें में बैठा हुआ है। और जो शुक्र है उसकी राशि आ रही तीसरे में और 10वें में, और स्वयं वो बैठा हुआ है 12वें में। जब भी हम लोग सिटिंग देखते हैं ग्रह कहाँ बैठा हुआ है तो हम लोग कस्प कुंडली देखते हैं, और जब भी हम लोग राशि देखते हैं तो हम लोग जन्म कुंडली देखते हैं। इस चीज़ का आप लोग को विशेष ध्यान रखना है। अब आइए चलते हैं इसके आगे। देखिए, अब हम इस कुंडली में जुपिटर जो है सोर्स बना हुआ है, मतलब जो रिजल्ट देगा वो जुपिटर के माध्यम से ही रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। जुपिटर दे रहा है आपकी कुंडली में 5, 8, 12। देखिए, जुपिटर दे रहा है 5, 8, 12 दे रहा है। अब जुपिटर किस चीज़ों का कारक है, पहले तो हम लोग जुपिटर के कारक को पकड़ते हैं। अगर जुपिटर के आप कारक को नहीं समझेंगे तो आप सही प्रोफेशन सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, जुपिटर कारक होता है टीचिंग का, ज्ञान का, गुरु का, अध्यापक का, साहित्य का, धन संपत्ति का, इन सब चीज़ों का जुपिटर कारक होता है। अब हम लोग बात जब कर रहे हैं प्रोफेशन की, तो हम लोग जुपिटर के जो फैमिली के रिलेटेड कारक हैं वो सब नहीं ले रहे हैं, हम लोग खाली वो चीज़ें ले रहे हैं जिसमें हमें एक प्रोफेशन को निकालना है। तो इसमें जो मेन जुपिटर का कारक होता है उसको एक शब्द में कहा जाता है गुरु। तो समझ लीजिए, जहाँ से हमने एक पकड़ लिया कि मोटा मोटा कि हमको इस कुंडली के अनुसार जो जुपिटर का जो सोर्स बना हुआ जुपिटर, तो वो हमको बता रहा है इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ पढ़ाने या सिखाने वाला कार्य ही करना चाहिए। अब उसके जो हाउस है, अब वो देखिए क्या क्या हाउस दर्शा रहा है। 5वां हाउस दर्शा रहा है जो होता है किड्स का होता है, मतलब बच्चों का, खेल कूद का होता है, सोल्यूशन प्रोवाइडर का होता है, एंटरटेनमेंट का होता है, परामर्श का होता है। बेसिकली क्या होता है, जो लोग किसी प्रकार का परामर्श करते हैं, कंसल्ट करते हैं, ज्योतिष होते हैं, उनका कारक 5th हाउस होता है। 8th हाउस होता है वो भी ज्योतिष का होता है, रिसर्च का होता है, परिवर्तन का होता है, प्रॉब्लम्स का होता है। 8th हाउस से आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देखा जाता है कि जीवन में सडन ट्रांसफॉर्मेशन जो आता है वो 8th से आता है। 8th हाउस आपका बैड लक भी होता है। और 12th हाउस जो होता है वो आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लॉस, इन्वेस्टमेंट, विदेश, योग का, मेडिटेशन का, सेपरेशन का, इन सब चीज़ों का कारक 12th हाउस होता है। तो इस कुंडली में जो सोर्स प्लैनेट है जुपिटर, जुपिटर आ रहा है एक तरह का गुरु है, और 5th हाउस दिखा रहा है। 5th हाउस में सोल्यूशन प्रोवाइडर जो है यहाँ पे बेस्ट लगेगा, क्योंकि गुरु 5वें घर में जो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, गुरु का काम ही यही होता है कि दूसरे को परामर्श करना। तो 5वें हाउस गुरु सोल्यूशन प्रोवाइडर है, आप समझ लीजिए ऐसा। और 8th हाउस भी ज्योतिष का है, 5th हाउस भी ज्योतिष को रिप्रेजेंट करता है, गुरु भी करता है। और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है मरकरी। जुपिटर का जो रिजल्ट देगा वो मरकरी ही देगा, वो रिजल्ट दे रहा है 2, 11, 12। अब मरकरी कारक किस चीज़ों का होता है, मरकरी ज्योतिष का कारक होता है। देखिए फिर यहाँ ज्योतिष निकल के आया, बिजनेस का कारक होता है, स्पीच का कारक होता है, मैथ का कारक होता है, तर्क वितर्क का कारक होता है, और हर तरह के जो मतलब व्यापार में जो गणित चलते हैं उन सब चीज़ों को कंट्रोल जो करता है वो मरकरी करता है। हमारे नर्वस सिस्टम का कारक होता है मरकरी। तो अब ये मरकरी समझ लिए, मोटा मोटा आप समझ लिए क्या चीज़ों का कारक है। तो जुपिटर को जो सोर्स है उसके जो रिजल्ट मरकरी को देने हैं
तो जुपिटर के तत्व को लेकर ही जो हमको व्यापार करना है, और मरकरी के तत्व को लेकर भी व्यापार करना है, इन दोनों को कंबाइन करके ही हम कोई प्रोफेशन सेलेक्ट करेंगे, तभी हमारा प्रोफेशन वो होगा जो नियति हमसे चाहती है। तो मरकरी के कारक तत्व आपने देख लिए। अब मरकरी दे रहा है सेकंड हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। तो सेकंड हाउस होता है धन संपत्ति का, वाणी का होता है, स्पीच का, बैंकिंग का होता है, फैमिली का होता है, ये बेसिकली सेकंड हाउस इन सब चीज़ों का कारक है। और 11th हाउस जो होता है वो आपका होता है गेंस का, सामाजिक सर्कल, फ्रेंड सर्कल जो होते हैं आपके उनका होता है, फुलफिलमेंट और डिज़ायर का होता है, आपकी जो इच्छा पूर्ति का भाव होता है वो 11th हाउस का है। 12th हाउस फिर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लॉस, इन्वेस्टमेंट, मेडिटेशन, सेपरेशन, इन सब चीज़ों का होता है। तो इस कुंडली में जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि जुपिटर जो है वो भी दिखा रहा है कि ये व्यक्ति को जो है एक तरह का अध्यापक बनना चाहिए। जो उसका नक्षत्र लॉर्ड है बुध, वो भी दिखा रहा है कि इस व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें इसका तर्क, इसका माइंड का यूज़ हो, नर्वस सिस्टम का यूज़ हो। और जो जुपिटर मरकरी हाउस दिखा रहा है वो सेकंड हाउस, सेकंड हाउस वाणी का होता है। तो जो लोग इसको प्रोफेशन ऐसा करना चाहिए जिसमें इसका ज्ञान और इसकी वाणी और इसकी बुद्धि एक साथ संलग्न होकर चले। 11th हाउस सोशल सर्कल का है, मतलब ये व्यक्ति अपने सर्कल के अंदर अपने ज्ञान को सब, मतलब समाज में अपने ज्ञान को फैलाए और समाज को उसका लाभ दे, इससे इसको लाभ मिलने वाला है। 12th हाउस लॉस का होता है। तो इस व्यक्ति को हम लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप, आपकी जीवन के अनुसार, कुंडली के अनुसार, आप नियति आपसे चाहती है कि आप कोई ऐसा प्रोफेशन सेलेक्ट करें जिस प्रोफेशन में ज्ञान हो, बुद्धि हो, वाणी का प्रयोग हो, कंसल्टिंग हो। देखिए ज्ञान आ गया जुपिटर से, 5th हाउस से आ गया आपका परामर्श, कंसल्टिंग आ गया, 8th हाउस से आपका ज्योतिष आ गया, फिर जुपिटर जो होता है मरकरी जो आया, मरकरी का भी, मरकरी भी कारक होता है ज्योतिष का, तो फिर आपका ज्योतिष आ गया, सेकंड हाउस में स्पीच आता है, ज्योतिष को बोलना पड़ता है, स्पीच हो गई। मैथ का कारक है मरकरी, तो ज्योतिष में गणना है, मैथ भी आ गई। 11th हाउस आपका सर्कल होता है, आपका समाज में आपको लाभ का होता है, तो आपको समझ लिए समाज में आप जब भी कोई ज्योतिष काम करता है तो अपने समाज के आसपास के मित्रों में, दोस्तों में काम करता है, तो 11th हाउस भी आ गया। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लमेटिक हाउस है वो 12th हाउस है। तो इस व्यक्ति को 12th हाउस की चीज़ों को यूटिलाइज करना आना पड़ेगा। जैसे हॉस्पिटल आता है 12th हाउस में, 12th हाउस में आपका समझ लीजिए हर तरह का लॉस होता है। तो इस व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप, अगर आप अपने प्रोफेशन में एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी करें, तो आपको चाहिए कि आप उससे पहले कुछ देर मेडिटेशन कर लें, क्योंकि 12th हाउस मेडिटेशन का है। यदि ये व्यक्ति मेडिटेशन करेगा तो इसका जो सोर्स प्लैनेट है वो भी इसको दिखा रहा है 12th, और जो नक्षत्र प्लैनेट है वो भी 12th दिखा रहा है। तो ये मेडिटेशन करता है तो इसको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि इसका जो 12th हाउस की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर लेगा। अगर उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, या तो ये डोनेशन करता रहे, या ये ज्योतिष से जो पैसा कमाए उसको डोनेट करे, या उसको इन्वेस्ट करे। बेसिकली इसको पैसा अपने लिक्विड मनी अपने हाथ में नहीं रखनी है, क्योंकि धन का भाव और लाभ का भाव दोनों भाव एक साथ हैं, और साथ में 12th हाउस आ रहा है। तो इसका मतलब होता है आपके धन का और आपके लाभ का या तो कहीं वो खर्चा हो जाएगा, या तो फिर आपको कहीं उसको इन्वेस्ट करना है, या तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका हॉस्पिटल में या कहीं फालतू खर्चा हो जाएगा। इसलिए इसको व्यक्ति को यह कहा जाता है कि आपके पास जब भी पैसा आए, या तो आप उसको थोड़ा कुछ डोनेट करिए, आप मेडिटेशन करिए, या फिर आप हॉस्पिटल में जाकर के कोई, मतलब कोई बीमार पेशेंट मिल जाए तो उसको कुछ दवा दिला दीजिए। बेसिकली ये डोनेट करेगा तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये डोनेट नहीं करना चाहता है तो इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी आपका खर्चा ही है एक तरह से। नक्षत्र आपसे कह रहा है खर्चा करने को, तो इन्वेस्टमेंट भी आपका खर्चा ही है। तो ये था हमारी आज की कुंडली का पूरा सारांश। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। आपका दिन शुभ हो।